एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज बीटीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें देखा गया है क्या नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप लोगों को बीटीएससी जेई का वैकेंसी आया, क्या है बीटीएससी जेई का वैकेंसी आया है और टोटल वैकेंसी कितना है 7988 वैकेंसी आप लोगों को दिया गया। तो इसी वैकेंसी के बारे में आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन बताया जाएगा कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या नोटिफिकेशन में है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कितना एज है और सिलेबस क्या, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बारीकी रूप से बताऊंगा और डिटेल वे से बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। अब बिहार सरकार के द्वारा देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें विज्ञापन संख्या अभी नहीं दिया गया है और विज्ञापन संख्या आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएगा, नेक्स्ट मंथ आप लोगों को विज्ञापन संख्या मिल जाएगा। और इसका देखिए कह रहा है कि वेबसाइट के आयोग के जो वेबसाइट है उस पर आप 22 मई 2023 से लेकर के 21 जून 2023 तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसी चैनल पे आप लोगों को टेक्निकल का पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है बिहार अमीन के लिए, तो बीटीएससी जेई और बिहार अमीन का सिलेबस सेम ही है, तो आप लोग भी जुड़ जाइए एक्सएम स्टडी के अंतर्गत। चलिए इसमें क्या है और आप लोगों को देखिए पदनाम इसमें क्या क्या दिया। अभी पदनाम के अंतर्गत जो आप लोगों का जो है कनीय अभियंता है, कहने का मतलब जेई सिविल है, कहने का जेई सिविल है और जेई सिविल में आप लोगों को देखिए क्या है कि आप लोगों को बेसिक पे जो है ना 9300 से लेकर के 34800 और ग्रेड पे क्या है इस पर देखिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि ग्रेड पे इस पर बढ़ाया गया। इससे पहले ग्रेड पे 4400 था जेई के लिए बिहार में, अभी भी हर जगह जेई के लिए जैसे एसएससी जेई में भी ग्रेड पे 4400 ही है, बट इस बार क्या गया है कि ग्रेड पे बढ़ा दिया बिहार जेई के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। और इसके बाद क्या है लेवल भी आप लोगों का सेवन कर दिया गया है, कहने का मतलब लेवल भी आप लोगों का सेवन कर दिया गया है। जैसे एसएससी जेई में भी लेवल 6 है तो बिहार में जितना भी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप लोगों का लेवल भी बढ़ा दिया गया है, इसके साथ साथ आप लोगों का वेतन का ग्रेड पे भी बढ़ाया गया। इसका कहने का मतलब आप लोगों का वेतन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और इसमें कौन कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है देखिए, इसमें जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है जो बिहार से गवर्नमेंट से किए हुए हैं या बिहार में जो प्राइवेट कॉलेज से किए हैं वो तो एलिजिबल है ही, इसके साथ साथ जो बिहार के बाहर जितना भी कॉलेज है वो लोग भी एलिजिबल है, वो 60% के अंतर्गत आइएगा क्योंकि 60 और 40 है, 40% जो है ना बिहार के अंतर्गत जितना भी कॉलेज है उन लोगों के लिए 40% सीट रखा गया और 60% जो है ना बिहार के बाहर जितना भी कॉलेज है उन लोगों के लिए रखा गया। अगर आप बिहार के निवासी है बट आप बाहर से डिप्लोमा किए हुए तो आप लोग 60% के अंतर्गत आइएगा। अगर आप बाहर के हैं फिर भी अगर आप बिहार में या तो प्राइवेट से किए हैं या तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं तो उसमें आप लोग को 40% के अंतर्गत आइएगा। तो ये चीज़ बेनिफिट है, आप लोग जहाँ से किए हैं ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है बिहार जेई के लिए। इसके बाद आप लोग देखिए कि जो डिप्लोमा होल्डर के लिए है सिर्फ डिग्री इसमें अलाउ नहीं है, जो बीटेक होल्डर है वो लोग अलाउ नहीं है, इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग का एक तो कंपटीशन बहुत ही कम हो गया तो और इसमें क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा क्या डिफिकल्टी है तो आप लोग वो भी बताएंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और इसका सीबीटी एग्जाम कैसा किस तरह पे होगा और कैसा इसका लेवल होगा एग्जाम का, हर एक चीज बताया जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट आप लोगों को देखिए कि वैकेंसी कितना कितना दिया गया, देखिए आप लोगों को टोटल वैकेंसी मिलेगा कि टोटल वैकेंसी कितना है इसमें। टोटल वैकेंसी देखिए कि जो कनीय अभियंता और सैनिक के लिए आप लोगों का क्या है योजना एवं विकास विभाग के जो बिहार के अंतर्गत है 60 और 40 का रेशियो दिया गया है, वहाँ देख सकते हैं हर एक विभाग में 40% बिहार के लिए और 60% ओपन कैटेगरी के लिए रखा गया है। इसमें देखिए योजना विभाग के लिए आपको 1298 पोस्ट दिया गया है। इसी तरह से अगला देखिए क्या है नेक्स्ट देखिए कौन सा विभाग है, जैसे इसमें नेक्स्ट में देखिए आप लोग जल संसाधन विभाग है, इसमें भी आप लोगों को 1351 टोटल सीट दिया गया है। इसी तरह से नगर विकास एवं आवास विभाग है, इसमें भी 455 सीट दिया गया है। पथ निर्माण जो आरसीडी बोलते हैं इनमें भी अच्छा खासा सीट है, 576 सीट है। बहुत ही बच्चे का चॉइस होता है कि आरसीडी और बीसीडी मिले तो इन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, 576 सीट टोटल इसमें भी है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में क्या है भवन निर्माण, अब देखिए बीसीडी इसका मतलब भवन निर्माण का मतलब होता है बीसीडी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इसमें भी अच्छा खासा सीट है, टोटल 344 सीट इसमें भी दिया गया है। और जैसे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण इसमें भी 689 सीट है। इसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग, ये चीज जो है ना रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण कार्य विभाग का मतलब होता है रूरल डेवलपमेंट, ये तो इससे बेस्ट
जॉब हो ही नहीं सकता, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पंचायती राज है, तो पंचायती राज में क्या होता है कि आप लोगों को जितना भी ग्राम विकास हो गया, उसके बाद आप लोगों को ब्लॉक हो गया, उसके बाद आपको नगर हो गया, हर एक चीज में आप लोगों को इसमें, इसलिए इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट देखिए कौन सा डिपार्टमेंट है इसमें। आठवां डिपार्टमेंट है लघु जल संसाधन विभाग, इसमें भी आप लोगों का सीट 362 दिया गया है। नेक्स्ट टोटल देखिए, टोटल सीट कितना, टोटल सीट 6988 सीट है। तो अभी तक जितना भी किसी भी स्टेट में, मान लीजिए आप लोगों का पूरा ऑल ओवर इंडिया का किसी भी स्टेट में एक साथ आप लोगों का इतना वैकेंसी कभी नहीं आया। कहने का मतलब एक साथ जो है ना 6988 पोस्ट कहीं नहीं आया। तो इससे बड़ी खुशखबरी की बात नहीं है, जो बिहार निवासी है और बिहार निवासी के बाद अलग स्टेट के लिए भी इलिजिबल है। तो हर एक जितना भी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट है उन लोगों के लिए एक सबसे खुशखबरी की बात है कि आप लोग को एक बार में 6988 पोस्ट पे आप लोग फाइट कर सकते हैं। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसी चैनल पे आप लोग को प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं डेली, और उसी के साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को तैयारी किस तरह से करना है। वीडियो के अंत में आप लोगों को तैयारी प्रिपरेशन किस तरह से करना है, क्योंकि ज़्यादा आप जैसे ही नोटिफिकेशन मेन नोटिफिकेशन आएगा उसमें से 3 से 4 महीने आप लोगों को तैयारी के लिए दिया जाएगा। तो क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस है, आप लोग भी पढ़े हैं तो आप लोगों को पता है कि 6 सेमेस्टर तक में कितना सिलेबस है, इसलिए आप लोग कंसाइज सिलेबस के साथ पूरा तैयारी किया कराया जाएगा। इसमें 2-3 से 3 फैकल्टी आप लोग को तैयारी कराने के लिए। चलिए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या क्या दिया गया। अब देखिए नोटिफिकेशन में आपको लेके चलते हैं कि इसमें न्यूनतम आयु जो है ना, आपको एज का जो लिमिट दिया गया है ना, आप लोगों को 1/8/2023 एज का लिमिट होना चाहिए, मिनिमम 18 साल, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 37 ईयर होना चाहिए, और आरक्षित अनारक्षित के लिए भी 40-42 साल दिया गया। नेक्स्ट देखिए क्या आप लोग का नोटिफिकेशन में, जो भी कैटेगरी वाइज है, तो कैटेगरी में आप भी जान रहे हैं कि SC ST है तो आपको SC ST का लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आप वहाँ का निवासी है, निवासी लगेगा। अगर आप OBC है, EBC है, तो OBC क्रिमिनल लगेगा। उसके बाद जो भी अगर EWS है, EWS सर्टिफिकेट लगेगा और वहाँ का निवास लगेगा। ये चीज़ तो बेसिक नीड है किसी भी एग्जाम के लिए। जो भी जिस स्टेट के लिए एग्जाम होता है उस स्टेट का आप लोग को हमेशा या तो डोमिसाइल लगता है, या तो वहाँ का आप जो कैटेगरी में उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगता है। ये तो आप लोग का नॉर्मल है, इसमें बताने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। अब देखिए इसमें क्या है कि आप लोग को फी कितना लगेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का फी। देखिए इसमें जो भी SC ST और जितना भी महिलाएं हैं उनको छोड़ करके टोटल 600 रुपया लगेगा, और SC ST और महिलाओं के लिए कितना लगेगा, 150 रुपया लगेगा, और अदर राज्य के स्टूडेंट के लिए भी 600 रुपया लगेगा। तो ये भी है कि अदर, यहाँ स्पष्ट लिख ही दिया गया है कि जो भी बाहर के स्टूडेंट हैं वो लोग, पुरुष हो या महिला हो, अगर बाहर के स्टूडेंट, उन लोगों को भी 600 रुपया लगेगा, वो भी एलिजिबल है। ये साफ साफ यहाँ लिखा गया, इसका कहने का मतलब आप लोग भी एलिजिबल है, जितने भी अदर ऑफ बिहार है वो लोग भी एलिजिबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या नोटिफिकेशन में। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए क्या है, चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में आप लोगों को कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। चयन प्रक्रिया दो तरह से होगा, पहला तो CBT एग्जाम होगा ना, CBT टेस्ट होगा। CBT एग्जाम लिया जाएगा 100 मार्क्स का, कितना, 100 मार्क्स का CBT एग्जाम लिया जाएगा। करने के बाद 100 मार्क्स का CBT एग्जाम होगा, जिनमें से आप लोग इसमें देखिए दो होगा, एक टेक्निकल का होगा, एक नॉन टेक्निकल का होगा। देखिए नॉन टेक्निकल का होगा। अब टेक्निकल में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होगा, कितना, 80 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा टेक्निकल में, और नॉन टेक्निकल में कितना होगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, GK GS से, GK या तो GS क्वेश्चन रहेगा। आप लोग देख सकते हैं GK GS इसमें जो भी रहेगा, आप लोग को सिविल से रिलेटेड जितना भी आप लोग डिप्लोमा में पढ़े होंगे, जितना भी आप लोग डिप्लोमा में क्लास किए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 सेमेस्टर तक, वही आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। वहाँ पे आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते थे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यहाँ टोटल यही लिखा गया। और टोटल 100 क्वेश्चन जो आप लोग का रहेगा, कहने का मतलब ये दोनों मिलाकर के 100 क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग का, वो कितना, 2 आवर्स, कितना, 2 आवर्स का एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम होगा जो CBT बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, ये तो आप लोग का पहला है, फर्स्ट है। कहने का मतलब आप लोग पहले तो CBT एग्जाम दीजिएगा, ये सिलेक्शन का ये प्रक्रिया है। बट इसमें क्या है कि आप लोगों को मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पे ये भी लिखा गया है कि जो सही उत्तर है उसके लिए 1 अंक दिया गया, और जो गलत उत्तर है उन लोगों के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए द्वितीय चरण जो सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें मेरिट लिस्ट बनेगा, उन लोगों के लिए बता रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा।
क्योंकि आप लोगों को यह भी समझना हो कि मेरिट लिस्ट किस तरह से बनाया जाएगा। देखिए यहाँ लिख दिया गया द्वितीय चरण जिनमें चयन हेतु अभ्यर्थियों का मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। अब देखिए पहला तो आप लोग को सीबीटी एग्जाम होगा, कहने का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग सीबीटी एग्जाम दीजिएगा। सीबीटी एग्जाम कितना होगा, सीबीटी एग्जाम जो 100 क्वेश्चन रहेगा उसका 75 मार्क ही जुटेगा। ये यहाँ पे अंक दिया गया, कहने का मतलब आप अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहे हैं तो 75% जो होगा ना वो सीबीटी टेस्ट का लिया जाएगा। तो अगर 100 मार्क्स जिन बच्चे का मान लीजिए 100 क्वेश्चन का अगर है उसमें 100 मार्क्स आ गया, मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बता रहे हैं कि मान लीजिए 100 मार्क्स क्वेश्चन दिया और 100 उसको आ गया, ठीक है, तो इनमें से उस बच्चों का जो मतलब जब सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कहने का जब भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जब भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा उनमें क्या होगा 100 का जो होगा ना आप लोगों का कितना 75% मार्क्स जुटेगा। जो भी बच्चे फ्रेशर है, कहने का जो भी बच्चे एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहने का मतलब उसको कितना रो मार्क्स आ जाएगा 75 मार्क्स, कहने का उसका 75 मार्क्स रो मार्क्स आ गया। अब जो बच्चे तो फ्रेशर है बट जो बच्चे यहाँ पे एक्सपीरियंस है, यहाँ द्वितीय बी में कह रहा है कि जो बच्चा संविदा पे है, कहने का मतलब जो बच्चा अभी बिहार में संविदा पे जॉब कर रहा है उन लोगों के लिए अधिकतम 25 मार्क्स दिया जाए, कहने का अधिकतम 25 मार्क्स होगा, एक साल का 5 मार्क्स जुटेगा उन लोगों के लिए। अगर आप 5 साल जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों को 25 मार्क्स वैसे मिल जाएगा बिना एग्जाम दिए हुए। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं आप उसमें मिनिमम 40% ला रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन फिक्स है। जो भी आप एक्सपीरियंस बच्चे हैं उन लोगों के लिए तो सिलेक्शन बहुत ही ईजी है, क्योंकि अगर वो 40% भी अगर नंबर ला रहा है सीबीटी एग्जाम में तो उन लोग और 25 मार्क्स ये अलग एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 60 प्लस हो गया, इसमें सिलेक्शन 60 प्लस से कम ही में होगा, कहने के बाद 50 से अप्रोक्स आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो 50 मार्क्स जो बच्चे का आएगा, अब देखिए अब जो बच्चा यहाँ पे फ्रेशर है, अब यहाँ मैं आप लोग जो बच्चे फ्रेशर है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो फ्रेशर बच्चा होगा ना उन लोगों के लिए मेहनत करने का जरूरत है। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आप लोग कम से कम 60 मार्क्स लाना पड़ेगा, जो भी नॉर्मलाइज मार्क्स होगा आप लोग को 60 मार्क्स लाना पड़ेगा, 50 से 60 के बीच में आप लोग को रहना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा। बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कराइए, बंच नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को, बहुत ही ऐसा इससे पहले जेई का एग्जाम हुआ, एसएससी जेई का एग्जाम हुआ, आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ, अदर स्टेट का जेई का एग्जाम हुआ, उन लोग के लिए भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले आप लोगों का जस्ट प्रीवियस ईयर आप लोगों का झारखंड जेई का भी एग्जाम हुआ, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेवल कैसा क्वेश्चन रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, यही चीज़ है सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को इसी के बेसिस पे किया जाएगा। एक तो सीबीटी के एग्जाम के तहत, और सेकंड जो रहेगा आप लोग का फर्स्ट सीबीटी, और सेकंड जो आप लोग का रहेगा एक्सपीरियंस के बेसिस पे रहेगा, कहने का मतलब इसके बेसिस पे आप लोग को मेरिट लिस्ट निकलेगा, जो मेरिट लिस्ट निकलेगा इसी के बेसिस पे आप लोग को निकलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या निर्देश दिया। कहने का मतलब आवेदन प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिप्लोमा मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी डिप्लोमा से जितना भी डिप्लोमा का टोटल सर्टिफिकेट आप लोग को लगेगा, टेंथ का मार्कशीट टोटल लगेगा, क्योंकि वहाँ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग को मार्कशीट टेंथ का ही कहीं भी लगता है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आप लोगों का, इसका यही है, इतना ही प्रोसेस है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आप लोग के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए जो भी फ्रेशर है, कहने का मतलब जो भी बच्चे फ्रेशर होंगे उन लोगों के लिए क्या है सीबीटी एग्जाम, मेन तो सबसे पहले उन लोगों के लिए सीबीटी एग्जाम है, सीबीटी एग्जाम उन लोगों के लिए है कि सीबीटी एग्जाम हम लोग को कैसे पैटर्न क्या रहेगा और उसका लेवल क्या रहेगा, एग्जाम का लेवल क्या रहेगा। देखिए लेवल तो आप लोग का इसका लो टू मॉडरेट रहेगा, याद रखिए लो टू मॉडरेट रहेगा, इसका लो टू मॉडरेट लेवल एग्जाम रहेगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों का झारखंड जेई है उसका भी लो टू मॉडरेट था सीबीटी एग्जाम में, क्योंकि नंबर ऑफ इसमें वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। और आप लोगों का इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन में क्या है कि आप लोगों को 80 क्वेश्चन जो आप लोगों का रहेगा, 80 क्वेश्चन जो आप लोगों का रहेगा वो टेक्निकल से रहेगा, ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों का नॉन टेक से रहेगा, ठीक है। अब देखिए नॉन टेक में तो आप लोग क्या है कि इसमें क्या क्या आएगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा एंड जीके जीएस रहेगा, जीके एंड जीएस और करंट अफेयर, ये इतना ही करंट अफेयर्स ये इतना ही आप लोगों को इसमें रहेगा, ठीक है। और टेक्निकल में देखिए कि टेक्निकल जो भी पूछा जाएगा वो सिविल्स रिलेटेड और वो भी डिप्लोमा कोर्स, जो डिप्लोमा कोर्स में, कहने का मतलब आप लोगों को इसमें डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर का जो भी जितना भी आप लोग एग्जाम दिए हैं वही
क्वेश्चन रहेगा, कहने का इसमें मैथ भी है, कुछ ना कुछ आप लोगों को ट्वेल्थ का मैथ भी पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें क्योंकि इससे पहले बिहार अमीन का पूरा सिलेबस जैसे ही मेन नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप लोगों को पूरा सिलेबस बताया जाएगा। तो आगे वीडियो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस बताऊंगा कि इसके इसमें कौन सा सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अंदर सब सब्जेक्ट कौन सा है, कौन कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल मैं आप लोगों को नेक्स्ट मंथ में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग स्टूडेंट के लिए नोटिफिकेशन, ये तो आप लोगों का क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है विभाग के लिए, बट आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ में आएगा, उसमें आप लोगों को सिलेबस और क्या क्या आप लोगों का जरूरत कागजात है टोटल चीज़ बताया जाएगा वो विभाग के द्वारा। तो इस इतना ही है, और आप देखिए इसमें आप लोगों को पढ़ाई कहाँ से करना है, कहाँ पढ़ाई करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पढ़ाई करने का सबसे आसान तरीका है कि देखिए 3 से 4 मंथ एग्जाम दिया जाए, मतलब जिस दिन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया उसके बाद 3 से 4 मंथ के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन का टाइम रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाला इधर आप लोगों को इलेक्शन भी है तो 3 से 4 मंथ मिलेगा, और 3 से 4 मंथ में आप लोग टेक्निकल कवर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकल टोटल 10 से 15 सब्जेक्ट है, और 10 से 15 सब्जेक्ट कवर करना, नॉन टेक का 2 से 3 सब्जेक्ट कोई कवर नहीं कर पाता है, 10 से 15 सब्जेक्ट कवर करना नामुमकिन नहीं मुश्किल है, क्योंकि उसका अगर बेसिक अगर पढ़ा भी जाए तो मिनिमम 1 साल लगेगा पढ़ने में आप लोगों को थ्योरी, उसका क्वेश्चन अलग करना है, प्रैक्टिस अलग करना है, तो उससे अच्छा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोग बंच ऑफ क्वेश्चन अगर 10,000 कहने का मतलब अगर आप लोग 10,000 प्लस क्वेश्चन आप करा देंगे तो उससे 20 से 25% क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जाएगा, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जितना भी एग्जाम SSC JEE हो गया, रेलवे JEE हो गया, अदर स्टेट का JEE हो, उससे क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस दीजिए, ये नहीं कि सर आप लोग हम लोग को थ्योरी नहीं पढ़ाएं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन के साथ ही आप लोग को टोटल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं कि जितना भी मैं सर्वे में पढ़ाया हूँ वहाँ पे क्या किया गया, हर एक जितना भी ऑप्शन है ना हर एक ऑप्शन का कॉन्सेप्ट बताया है, तो आप लोग को वहाँ से कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, उसके साथ साथ आप क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग का ऑटोमेटिक एक सिलेक्शन पक्का है आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।